एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी के नेतृत्व में विभिन्न थानों पर आबकारी संबंधित अभियोग में पंजीकृत निस्तारण होने के बावजूद उनसे संबंधित शराब लंबे समय से थाने के मालखानों में रखे गए थे, जिनका निस्तारण नहीं हुआ था, जिससे थाने के मालखाने व अन्य कक्ष अनावश्यक रूप से भरे हुए थे, जिनके निस्तारण हेतु टीम गठित कर जनपद गोरखपुर के प्रत्येक थानों पर लंबित कच्ची शराब को उनके थाने पर ही नष्ट कराया गया, जिसमें सहजनवा थाने का लगभग 510 पेटी अंग्रेजी शराब तथा 11,584 सीसी देसी शराब व थाना पिपराइज का लगभग 1200 लीटर कच्ची शराब व 18 सीसी देसी शराब माल को थाना चिलुआताल पर जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर मालों को नष्ट कराया गया। एसपी नॉर्थ ने बताया कि सहजनवा थाना से लगभग 510 पेटी अंग्रेजी शराब तथा 11,584 सीसी देसी शराब, कैंपियरगंज थाने से लगभग 1,369 लीटर कच्ची शराब व 208 सीसी देसी शराब, चिलुआताल थाना से लगभग 4,516 लीटर कच्ची शराब व 29 सीसी देसी शराब, राजघाट थाना से लगभग 4,552 लीटर कच्ची शराब, खुराबाड़ थाना से लगभग 6,564 लीटर कच्ची शराब व 5 सीसी देसी शराब, बेलीपाड़ थाना से लगभग 7,224 लीटर कच्ची शराब, बांसगांव थाना से लगभग 2,682 लीटर कच्ची शराब व 287 सीसी देसी शराब, बड़हलगंज थाना से लगभग 700 लीटर कच्ची शराब व 37 सीसी देसी शराब, पिपराइज थाना से लगभग 1200 लीटर कच्ची शराब व 18 सीसी देसी शराब को नष्ट किया गया। इस तरह कुल 510 पेटी अंग्रेजी शराब व 12,150 सीसी देसी शराब व 27,617 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट कराया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा माल निस्तारण के संबंध में अभियान चलाया गया था, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय ने मुझे नोडल अधिकारी बनाया था। सभी थानों से प्रयास करके अधिकाधिक संख्या में माल निस्तारण कराया गया है, जिसमें शराब का माल चूंकि सबसे अधिक खराब होता है और सबसे ज़्यादा बदबू फैलाता है, इसलिए सबसे पहले उसका निस्तारण किया गया। इस समय तक जो कुल 510 पेटी अंग्रेजी शराब, 12,150 सीसी देसी शराब और 21,617 लीटर अवैध कच्ची शराब आज दिनांक तक नष्ट की जा चुकी है। जो अंग्रेजी शराब मुख्य रूप से नष्ट की गई है वो थाना सहजनवा की है, बाकी थानों से भी जो माल नष्ट कराए गए हैं उनमें कार्रवाई जारी है और आगे भी ये निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि माल निस्तारण होता रहे। आज कुल 9 थानों में माल निस्तारण की कार्रवाई की गई है और ये सभी थानों में की जानी है। अभी कुछ प्रक्रियात्मक अड़चने हैं, उसके कारण बाकी थानों में नहीं की गई है, शेष थानों में भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जो आज निस्तारण किया गया है इसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये।